अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है इंटरव्यू क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एक्सेल। के एक्सेल के अंदर हम ये अपने दो पॉइंट्स आप ये देख रहे हैं, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ईजी और सिंपल है, बहुत आसानी के साथ आप एक्सेल के अंदर ये अपना काम कर सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट ए हमारे पास, पॉइंट ए बी और सी, तीन पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट 1, 2, 3। तो ये इन तीनों के दरमियान पॉइंट 1 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस कितना होएगा और 2 से लेकर 3 तक का ये डिस्टेंस कितना होएगा। तो इसका सबसे पहले हम इधर अपना फार्मूला लिखेंगे एक्सेल के अंदर, उसके बाद इधर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे उसी फार्मूले के हिसाब से। तो फार्मूला हम लिखते हैं, तो आप इधर आ जाना है और एस क्यू आर टी स्क्वायर, आपने जैसे तीन ब्रैकेट्स लगा देनी है, 1, 2, 3, और उसके बाद आपने ये n2 को हम इधर लिख देता हूँ, n2 माइनस आपने n1 कर देना है, नर्सिंग 2 माइनस नर्सिंग 1। तो n1 कर देता हूँ, उधर से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उधर से आपने ये स्क्वायर का निशान ले लेना है। ये आपका कीबोर्ड के ऊपर 6 नंबर के ऊपर होएगा, शिफ्ट के साथ चलेगा। स्क्वायर 2 ले लेना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है, उसके बाद आपने प्लस का साइन देना है और एक और ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर आपने e2 माइनस e1 कर देना है। e2 की नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये सामने आ रही है, e2 माइनस e1, e2 माइनस e1, और जैसे आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इसी तरह पावर लेनी है इसकी इफेक्ट 2, और जैसे आपने ब्रैकेट को उसको क्लोज कर देना है। तो अब ये देखिए हमारा फार्मूला आ गया, सेम टू सेम आपने यही फार्मूला नीचे भी लगाना है। इसी तरह ये फार्मूला आपका कॉपी होकर नीचे भी लगेगा, इधर से आपका डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा एक्सेल। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो एक्सेल के ऊपर आपने आना है, सबसे पहले इधर इज इक्वल टू लगाना है कीबोर्ड की मदद से, और उसके बाद एस क्यू आर टी, यह आपने देखा है कि हमने लिखा था, ये आपने सेम टू सेम लिख देना है, सामने स्क्वायर वाला फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको डबल क्लिक करना है, उसके बाद आपने 3 ब्रैकेट्स इस तरह लगा देनी जो इधर लगी हुई है, उसके बाद आपने जैसे n2, ये n नर्सिंग 1 नर्सिंग 2 है, तो नर्सिंग 2 की वैल्यू आपने सेलेक्ट करना है, माइनस का साइन लगाना है नर्सिंग 1 की वैल्यू, ब्रैकेट को क्लोज करना है और स्क्वायर 2 लगा के इसकी ब्रैकेट को इधर क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने प्लस का निशान लगाना है और जैसे आपने ब्रैकेट दोबारा स्टार्ट करनी है, n2 माइनस n1 और ब्रैकेट को क्लोज करना है और पावर 2 लगा के और इसकी ब्रैकेट को भी आपने क्लोज कर देना। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला हमने लगा दिया, इधर ये सिलेक्ट हो गया, आपने इंटर कर देना। तो ये हमारा जो डिस्टेंस था पॉइंट ए से लेके पॉइंट 2 तक या बी तक, वो हमारा डिस्टेंस है 802.535। दोबारा फार्मूला बता देता हूँ, इधर दोबारा इज इक्वल टू एस क्यू आर टी और आपने 3 ब्रैकेट्स लगानी है। इसी तरह ये n2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, माइनस n1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर 2 और इसकी ब्रैकेट को क्लोज, उसके बाद प्लस, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है n2 e2 माइनस e1 और उसके ब्रैकेट को भी आपने क्लोज करना है और इसी तरीके से स्क्वायर 2 लगा के ब्रैकेट को उसकी क्लोज कर देना है और इंटर कर देना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस आया है ये पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का, वो 802.535, और नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्टेंस आया वो 1201.900 का ये डिस्टेंस आया। तो आप एक्सेल के अंदर इसको इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो एक्सेल के अंदर आप इस तरीके से वर्किंग करते हुए बहुत ही आसानी के साथ ये फार्मूला लगा के अपने डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।